सीजन 3 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें नाचो दिखता है। नाचो हफ्ता कलेक्ट कर रहा होता है। जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि नाचो के साथ टुको हुआ करता था, पर अब टुको जेल में है तो सालामांका उसके नज़र रख रहे होते हैं। वो सब कलेक्ट कर रहा होता है, पर तभी वहाँ क्रेजी एट आता है। क्रेजी एट के पास पैसे नहीं होते। क्रेजी एट बोलता है कि हमारा एक जो गाय था वो भागता भागता उसके पैसे गिर गए थे, उसके पास उसके पीछे पुलिस लगी थी, इसलिए वो इस हफ्ते में पैसे नहीं लाया हुआ होता। नाचो बोलता है कि नेक्स्ट वीक में जब तुम आओगे तब सब पैसे लेकर आना। सालामांका को ये पसंद नहीं आता और नाचो से वो बोलता है यह बॉस कौन है। फिर वो क्रेजी एट के पास जाता है और उसे बहुत ही मारता है। नाचो अपने डैड के शॉप में काम कर रहा होता है और फिर वो स्विंग मशीन से अपने हाथ में वो सुई डाल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें किम अपनी गवाही देती हुई दिखती है। किम बोलती है कि सॉल ने जो ओल्ड लोग होते हैं उन्हें हेल्प की है। वो कभी लॉयर का नाम भी नहीं सुनते, पर सॉल उनके पास गया और उन्होंने बहुत ही कम से कम पैसों में उन्हें हेल्प की है। वो सॉल के लिए बोलती है कि चक ने उसे बिट्रे किया था, इसलिए वो ज़रा स्नैप हो गया था। ये हियरिंग ख़त्म हो जाती है और हमें जैसे पता है कि सॉल को पूरा डिसबारमेंट नहीं मिला, वो सिर्फ 12 मंथ के लिए सस्पेंड हो चुका है। चक डिस्टर्ब होता है और अपने घर पर बैठा होता है। वो किसी को भी अंदर नहीं आने देता। उसकी जो एक्स वाइफ होती है वो भी वहाँ आती है, पर वो उसे भी अंदर नहीं आने देता। किम और सॉल दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ चक की एक्स वाइफ आ जाती है। वो सॉल को बोलती है आज जो भी कुछ हुआ वो ठीक है, पर तुम्हें अब चक के पास चलना चाहिए। चक डोर भी नहीं खोल रहा, हमें उससे बात करनी चाहिए, वो बहुत ही तकलीफ़ में हो सकता है। सॉल बोलता है कि अब मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है, मैं उससे कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। चक की वाइफ बोलती है तो क्या ये सब प्लान था। वो उसे बोलती है कि वो तुम्हारा ब्रदर है। सॉल बोलता है कि अब वो मेरा ब्रदर नहीं रहा। एक सीन में हमें माइक की डॉटर इन लॉ दिखाई गई है। वो सपोर्ट ग्रुप में होती है जहाँ सब लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया हुआ होता है। वहाँ माइक भी होता है। ये जो सपोर्ट ग्रुप जब खत्म हो जाता है, माइक को बोलती है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए। माइक बोलता है अगर तुम्हें यहाँ आना अच्छा लगता है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो माइक को बोलती है कि मैंने तुम्हें वॉलंटियर कर दिया है। बच्चों को नया एक प्लेग्राउंड है, वहाँ उन्हें एक वे बनाना है, वो तुम बना सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें वॉलंटियर कर दिया। माइक बोलता है कि मुझे ये सब नहीं आता। वो बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने तो मुझे बताया था कि वो जब छोटा था तो तुमने उसके लिए एक घर वगैरह बनाया था। माइक फिर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चक से मिलने हावर्ड आता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलता, पर हावर्ड उसे बोलता है कि जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं वहाँ से नहीं जाने वाला। उसने उसके लिए एक अल्कोहल की बोतल भी लाई हुई थी है, ये 35 ईयर्स ओल्ड होती है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें अगर लग रहा होगा कि ये हमने केस लॉस कर दिया है, फिर भी हम ये केस जीत चुके हैं। सॉल को 12 महीने तक कोई भी गलत काम नहीं करना है, पर हमें पता है कि सॉल रह नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ इलीगल तो कर ही देगा और उसे जेल में जाना पड़ेगा। वो फिर चक को बोलता है कि तुम अब फिर से काम कर सकते हो, ये तुम्हें इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो फिर उसे ड्रिंक बनाता है और चक उसे बोलता है कि नई बिगिनिंग्स के लिए। चक फिर चीयर्स करता है और बोलता है कि नई जिंदगी के लिए। हावर्ड जब वहाँ से जाता है तो चक एक बैटरी निकालता है और उसे हाथ में रखता है। उसे पता होता है कि ये एक मेंटल इलनेस है, तो अपने आप को वो रेडी कर रहा होता है। सॉल अपने ऑफिस में होता है और अपने जो 100 क्लाइंट्स होते हैं उनको बता रहा होता है कि एक साल के लिए मैं आपको कंसल्ट नहीं कर सकता। तभी वो उसे याद आता है कि उसने जो एडवर्टाइजमेंट बाय की हुई होती है वो अभी भी रन हो रही होती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, वो टीवी वालों को इसलिए कॉल करता है। रात में किम और वो बात कर रहे होते हैं, वो किम को बोलता है कि मैंने वो एडवर्टाइजमेंट जो ली थी वो मैं अब सेल नहीं कर सकता, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, अब उसके एक $5,000 कुछ भी काम में नहीं आने वाले होते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए वो उसे सेल भी नहीं कर सकता। उसे बोल रही होती है अब हम ऑफिस को रेंट पर फिर से दे देंगे क्योंकि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सॉल बोलता है कि अभी 10 ही महीनों की तो बात है, मैं फिर से लॉयर बन जाऊंगा और फिर से हम एक ऑफिस चला सकते हैं, तब तक तुम तुम्हारा शेयर भरते रहो और मैं मेरा शेयर डालता रहूंगा। जिस दिन मैंने मेरा शेयर नहीं लाया उस दिन हम बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल एक बड़े बिजनेस के यहाँ आया हुआ होता है, उन्हें वो अपने एड सेल करना चाहता है। वो उन्हें सब कुछ पर्क्स वगैरह बता रहा होता है। वो उन्हें बता रहा होता है कि तुम्हारे लिए मैं एडवर्टाइजमेंट शूट करूंगा और जो टीवी पर लाएंगे वो हम फ्री में कर देंगे, यानी कि कोई भी लीगल ट्रबल में सॉल नहीं आएगा। उन्हें बहुत ही हार्ड सेल वो कर रहा होता है, पर फिर भी सॉल का वो नहीं मानते। उस दिन उसके पैसे वेस्ट होने वाले होते हैं। फिर उसे आइडिया आता है कि अगर हमें एडवर्टाइजमेंट सेल करनी है तो क्यों ना उसकी ही एडवर्टाइजमेंट कर दे, यानी कि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट वो शूट करके दे रहा है स्मॉल बिजनेसेस को, इसके लिए वो एडवर्टाइज करना चाहता है। शूट करते वक्त उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक लॉयर है, वो अगर फिर से टीवी पर आएगा तो लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, उन्हें लगेगा कि लॉयर कैसे अब एडवर्टाइजमेंट सेल कर रहा है। फिर वो यहाँ सॉल गुडमैन बन जाता है।
सॉल गुडमैन नाम से वो एडवर्टाइजमेंट शूट करता है। एक सीन में हमें दिखता है कि सोलोमन का कुछ ड्रग्स होते हैं वो लॉस पॉलोस के गाड़ी में बॉर्डर के आसपास आ जाते हैं। इस ड्रग को लेने के लिए नाचो को भेजा जाता है। नाचो जब देखता है तो उसे सिर्फ 5 पैकेज लेने होते हैं, पर वो वहाँ से 6 उठाता है। गस का जो आदमी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, पर नाचो जीत पे ही अड़ा हुआ होता है। नाचो मान नहीं रहा होता तो गस का आदमी फिर गस को कॉल करता है। गस मान जाता है और उसे बोलता है कि उसे और एक पैकेट दे दो। गस को जब वही कॉल आता है तब वो उसके लॉन्ड्री की फैक्ट्री में होता है। ये लॉन्ड्री अब वो बाय करने वाला होता है, वो देख रहा होता है। जैसे हमने ब्रेकिंग बैड में देखा था कि इस लॉन्ड्री के नीचे ही वॉल्टर और जेसी कुक करते हैं। वो जब बाहर आता है गाड़ी में बैठता है तो लीडिया भी उसके साथ होती है। लीडिया ही उसे ये प्लेस दिखाती है। अब चक को इस बीमारी से गूंजना है तो इसलिए चक वो स्पेस ब्लैंकेट पहनता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसके पास फ़ोन लाइंस नहीं होती तो बाहर पे फ़ोन से वो कॉल करता है। अपने डॉक्टर को उसने कॉल किया होता है और वो अपॉइंट के लिए पूछता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सलामांका और नाचो बैठे हुए होते हैं। सलामांका नाचो को एक ऑफर देते, वो बोलते हैं कि मुझे भी एक वे ढूंढना है जिससे मैं मेरे अपने सब चीज़ों को बॉर्डर के आर पार ले जा सकूं। इसके लिए उसे एक शॉप चाहिए होती है। वो नाचो को बोलता है कि तुम्हारे फादर एक बिजनेस ओन करते हैं तो मुझे वो बिजनेस अब चाहिए। नाचो बोलता है कि मेरे फादर एक सिंपल मैन है, वो ये सब नहीं कर सकते। हेक्टर बहुत ही परसिस्टेंट होता है और बोलता है कि तुम उन्हें सब सिखा दोगे, वो बहुत ही अच्छे से पैसे इसमें कमाएंगे, नाचो को ये नहीं चाहिए होता। हेक्टर को फिर न्यूज़ मिलती है कि टुको ने जेल में किसी आदमी को मार दिया है, इससे उसका सेंटेंस बढ़ जाता है। हेक्टर के हार्ट पर फिर लोड आता है और फिर वो एक पिल लेता है। ये जो दवाई होती है ये नाचो देखता है और इस दवाई को वो चुरा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल किम पे पास होता है और किम को बोलता है कि मैंने सब एडवर्टाइजमेंट अब मैं सेल कर सकता हूँ। उसे बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं और उसके अपॉइंटमेंट भी कल के लिए फिक्स होती है। किम को उसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी होती है। इस सीरीज के सब कैरेक्टर जो होते हैं तो सॉल को वो जिमी के नाम से ही जानते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में किम को उसका सॉल गुडमन ये नाम पता चलता है। इस एडवर्टाइजमेंट में सॉल बहुत ही एनर्जेटिक हमें दिखता है तो किम भी उसे बोलती है कि ये अजीब ही कैरेक्टर है, ये बहुत ही एनर्जेटिक है, वो इस कैरेक्टर को बिलीव नहीं कर पाती। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।